पिछले 7 साल में भाजपा ने सत्ता हथियाने की खातिर देश की समावेशी और भाईचारे वाली भावना को भयावह नुकसान पहुंचाया है। लोकसभा से लेकर विधानसभा का हर चुनाव भाजपा ने धर्म जाति की नफरत वाली बुनियाद पर लड़ा है। विपक्षी दलों के जीतने पर पाकिस्तान में पटाखे फूटने की बात भी भाजपा ने की है और पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाने से लेकर लव लेटर भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही लिखे हैं। तो ऐसे में भला बंगाल का विधानसभा चुनाव भाजपा कैसे बिना नफरत फैलाए लड़ सकती थी? और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट, गृह मंत्री अमित शाह। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर महिला सुरक्षा की बदहाली और कोरोना की भयावहता से नजरें चुराने वाले अजय सिंह बिष्ट ने लव जिहाद के मुद्दे को हवा देकर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की। वहीं अपने गृह राज्य गुजरात में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को नजरअंदाज करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सीए के नाम पर धार्मिक वैमनस्य को बढ़ावा देने का काम किया। ये अलग बात है कि इसी गृह मंत्री ने असम में सीएए का नाम तक नहीं लिया। ये तो सिर्फ दो उदाहरण मात्र हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण भी बंगाल के लिए किसी विजन के बजाय टोटल हवाबाजी और फिजूल की बातों पर टिके हुए हैं। इतना ही नहीं, अब तक हुए 4 चरणों के मतदान में ऐसा कोई चरण नहीं जिसमें हिंसा न हुई हो और इस सरकार प्रायोजित हिंसा में बंगाल की जनता और सीआरपीएफ दोनों पिस रहे हैं। भाजपा सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है, इसलिए जरूरी है कि भाजपा की इस नफरत वाली राजनीति को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जय हिंद।